नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2023 के बारे में। कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी क्लास के साथ साथ पीजी के रिजल्ट भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी का एक और रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको गूगल में UOK टाइप करके सर्च करना है। इस प्रकार से फिर एक नया पेज ओपन होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर एक और नया इंटरफेस ओपन होगा, आपको एग्जाम एंड रिजल्ट लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर एक और नया इंटरफेस ओपन होगा, आपको रिजल्ट पैनल पे क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन होगा, फर्स्ट बॉक्स में आपको 2023 सिलेक्ट करना है, सेकंड बॉक्स में आपको मैन सिलेक्ट करना है, थर्ड बॉक्स में आपको पीजी सिलेक्ट करना है और फोर्थ बॉक्स में आपको जैसे MA फाइनल और प्रवेश ईयर दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आपको जिस भी सब्जेक्ट का रिजल्ट चेक करना है वो सब्जेक्ट यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे MA फाइनल ड्रॉइंग एंड PTG एग्जाम 2023 का रिजल्ट चेक करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर प्रोसीड फॉर रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर एक नया इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ आप फर्स्ट बॉक्स में रोल नंबर, सेकंड बॉक्स में मदर्स नेम, थर्ड बॉक्स में जन्म तिथि आपको टाइप करनी है। बाय चांस आपके पास रोल नंबर नहीं रहे तो भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपको बाय नेम एंड फादर्स नेम पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से फिर एक और नया इंटरफेस ओपन होगा, फर्स्ट बॉक्स में आवेदक का नाम, सेकंड बॉक्स में फादर्स नेम, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं स्क्रीन पे आपका रिजल्ट वो ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसकी सहायता से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और हमारे द्वारा दी गई अपडेट अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।